For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान कर रहे हैं राधे की तैयारी अपने फार्म हाउस पर। जी हाँ, क्या तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से सलमान खान अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जो सुपर तरीके से डेडिकेटेड रहते हैं अपने रोल्स के प्रति, अपने फिल्म्स के प्रति, अपने काम के प्रति। ऐसे में लॉकडाउन के चलते डेफिनेटली शूटिंग्स तो नहीं हो पा रही है, लेकिन सलमान इस चीज को भली भांति जानते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन जो है वो खत्म होगा, वैसे ही शूटिंग शुरू हो जाएगी राधे की। राधे का लास्ट स्केड्यूल बचा है और ये स्केड्यूल सोर्सेज के अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि ये जो स्केड्यूल है ये होने वाला है एक कार चेजिंग सीक्वेंस। जी हाँ, कार के अंदर बैठकर सलमान खान चेज करते नजर आएंगे जो विलेन है उनको, और इसके लिए सलमान खान की एक चिजल्ड बॉडी होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में सलमान खान प्रिपरेशंस अपने फार्म हाउस से ही पूरी कर रहे हैं। जी हाँ, सलमान खान अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रख रहे हैं, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट अदर देन दैट सलमान खाने का पूरा ध्यान रख रहे हैं। सलमान अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ सलमान खान अपने वेट का बहुत स्पेशली ध्यान रख रहे हैं कि वेट गेन नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए सलमान जिम लगातार जा रहे हैं, अपने फार्म हाउस पर सलमान का जिम है वहां जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सलमान के फार्म हाउस पर गार्डनिंग भी होती है। जी हाँ, जो उनके फॉरेस्ट्स हैं वहाँ पर, वहाँ से जाकर सलमान खान मेक्स श्योर कि वो वहाँ से जाकर सब्जियाँ भाजियाँ सब खुद तोड़कर लेकर आएँ और घर वालों को ऑर्गेनिक और फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स ही खाने को मिले, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड ऑफकोर्स इस वक्त कोई नहीं खा रहा है, और जो है कि स्वच्छ चीज़ें ही शरीर के अंदर जाएं जिससे कि वेट गेन ना हो। तो सलमान ने तो पूरी तैयारी कर रखी है क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा ये कार चेजिंग सीक्वेंस शॉट हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में, ये आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। जब तक सलमान खान अपने फैंस को रमदान विश ना करे, तब तक रमदान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जी हाँ, वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर सलमान खान की, तो सलमान एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो हर त्यौहार पर अपने फैंस को विश करना बिल्कुल नहीं भूलते, और हाल ही में उन्होंने आज रमदान के दिन पर विश कर दिया है फैंस को। जी हाँ, सलमान ने अपने ट्विटर हैंडल पर विश करते हुए ट्वीट किया है, हैप्पी रमदान मुबारक सभी को टू ऑल माई फैंस, एंड साथ ही साथ कोरोना वायरस को लेकर अवेयरनेस भी दे दी है। जी हाँ, सलमान ने कहा है कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। वेल, हम सभी जानते हैं किस तरीके से हाल ही में सलमान ने एक गाना भी रिलीज किया था, प्यार कोरोना, जो कि कोरोना वायरस को एक कोरोना वायरस से एक इंस्पिरेशन सॉन्ग था कि आपको घर के अंदर रहना है, आपको सबके साथ मिलजुल कर घर के अंदर रहना है और बाहर नहीं आना है और कोरोना वायरस को हराना है। तो कहना कि सलमान खान अपने हर मैसेज में कहीं ना कहीं फैंस को इस बात की अवेयरनेस दे रहे हैं कि एवरीवन शुड स्टे होम एंड स्टे सेफ। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। विशिंग ऑल अ वेरी हैप्पी ईद। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। रोको ना, पानी एंड लाइफ बॉय, हाथ गीले करो ना, उंगलियों को कोने कोने से साफ करो ना, दोनों हाथों को दोनों ओर से घिसो ना, लाइफ बॉय करो ना, बीमारी को रोको ना। रोको ना, पानी एंड लाइफ बॉय, हाथ गीले करो ना, उंगलियों को कोने कोने से साफ करो ना, दोनों हाथों को दोनों ओर से घिसो ना, लाइफ बॉय करो ना, बीमारी को रोको ना। रोको ना, पानी एंड लाइफ बॉय, हाथ गीले करो ना, उंगलियों को कोने कोने से साफ करो ना, दोनों हाथों को दोनों ओर से घिसो ना, लाइफ बॉय करो ना, बीमारी को रोको ना। ये क्या कर रहा है? अगेंस्ट लाइट सर, इधर आइए ना, अगेंस्ट लाइट समझ में नहीं आ रहा। भाई थोड़ा आगे आइए सर, सेंटर भाई। अक्षय कुमार को थैंक यू कर दिया है मुंबई की पुलिस ने। जी हाँ, आमची मुंबई पुलिस ने क्यों थैंक यू कहा है अक्षय कुमार को, ये मैं आपको बता देती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। इस मुश्किल घड़ी में हर एक बॉलीवुड सितारा उभर कर सामने आ रहा है दोस्तों की, अपने फैंस की, देश की मदद करने में। ऐसे में अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर है जो यूजुअली हर वक्त सामने आते ही हैं, लेकिन इस बार कुछ खास तरीके से सामने आ रहे हैं और हर बार किसी न किसी तरीके से मदद कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस जगा रहे हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने 2 करोड़ रुपए का बम्पर डोनेशन किया है मुंबई पुलिस के अकाउंट में। जी हाँ, और ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि जिस तरीके से मुंबई पुलिस लगातार
दिन रात एक कर कर हम सबकी रक्षा कर रही है महाराष्ट्र पुलिस, रादर आप कह सकते हैं। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अक्षय कुमार ने उनके खर्चे के लिए, क्योंकि बहुत चीजों का ध्यान उन्हें भी रखना पड़ रहा है, बहुत सैनिटाइजर्स वो भी यूज कर रहे हैं, बहुत मास्क वो भी यूज कर रहे हैं, ऐसे में इन सभी चीजों का ध्यान रखने के लिए अक्षय कुमार ने उनको अपनी तरफ से 2 करोड़ रुपए का डोनेशन किया है। और मुंबई पुलिस ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी और थैंक यू कहा है उन्हें कि आपका ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये बहुत दूर तक जाएगा लोगों की मदद करने में, क्योंकि हम घर से बाहर निकलेंगे तभी लोग घर के अंदर रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में ये आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन से। दिस इज ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ। आमिर खान ने कुछ इस तरीके से जरूरतमंदों की मदद की है कि आप इसे किसी फिल्म की कहानी कहेंगे। जी हाँ, एक अलग ही अंदाज में आमिर ने कुछ किया है और क्या किया है वो मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहर। बात की जाए अगर आमिर खान की तो हाल ही में हम सभी जानते हैं आमिर खान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने हर बार जरूरत पड़ने पर मदद की है, चाहे वो बाढ़ के समय हो चाहे वो अटैक्स के समय हो, लेकिन कभी भी जताया नहीं है क्योंकि वो पीआर एक्टिविटी नहीं करवाते इन चीजों की। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं आमिर खान की तो हाल ही में आमिर ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिन लोगों को COVID-19 के चलते जिन लोगों को खाने पीने की असुविधाएं आ रही थी, बांद्रा की ये बात है, रात के समय एक गाड़ी आती है, अनाउंसमेंट होती है, जो स्लम एरियाज है वहाँ पर बांद्रा में, वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है इस बात की कि जिन लोगों को खाने की ज़रूरत है उन्हें 1-1 किलो आटे के पैकेट्स दिए जाएंगे और आप लोग जिनको सच में ज़रूरत है वो लोग आ जाइए। ऐसे में कुछ लोग जो है, कुछ एक झुंड जो है लोगों का, वो पहुँचता है क्योंकि सबको लगता है कि ऑफकोर्स आटे का पैकेट है, जिनको ज़रूरी है वही जाएँ। ऐसे में आटे का पैकेट मिल रहा है ये सोचकर ज़रूरतमंद लोग वहाँ पहुँच गए और फिर सबको एक एक पैकेट दिया जाता है। जैसे ही पैकेट को खोलते हैं उसके अंदर निकलते हैं 15,000 रुपये। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत ही शॉकिंग बात है कि इस तरीके से आमिर खान ने सही चीज़ सही जगह पर पहुंचाने की सोची और साथ ही साथ खाने के साथ साथ पैसे भी दिए, क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों को ही सामान मिले, ज़रूरतमंद लोगों को ही पैसे मिले, ये करना सबसे बड़ी बात है। और आमिर ने एज़ यूजुअल, जैसे हम उन्हें कहते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट, अपने परफेक्शनिस्ट दिमाग से, परफेक्शनिस्ट तरीके से उन्होंने इस चीज़ का जो है काम किया और साथ ही साथ ध्यान रखा कि सामान तो पहुँचे ही पहुँचे, लेकिन हाँ आने वाले कुछ दिनों में और तकलीफ ना हो जाए इसलिए उन्होंने ध्यान रखा कि पैसे भी बराबर से पहुँचे। तो हर एक आटे के पैकेट में आटे के साथ साथ 15,000 रुपये थे। तो देखा आपने, ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी हो गई, पीआर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और दुआएं भी मिल गई। और इस बात का खुलासा आमिर ने नहीं, ना कि उनकी किसी पीआर टीम ने, बल्कि उन लोगों ने किया है जिनको आटा मिला या जिनको ये फैसिलिटी मिली, जिनको ये हेल्प मिली। तो इस चीज़ पर आपकी क्या राय है और आमिर के स्मार्ट प्लान पर आप क्या कहना चाहते हैं, ये आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ। शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय से रिलेटेड एक बड़ी बात का खुलासा कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे ऐश्वर्या के साथ काम करने में शर्म आती थी। ये पूरी कहानी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहर। हाल ही में ये बात वापस से सामने आ रही है जब एक अवार्ड फंक्शन पर शाहरुख और ऐश्वर्या साथ में थे। ऐसे में शाहरुख ने कहा कि मुझे ऐश्वर्या के साथ काम करने में शर्म आती थी। तो सबने पूछा कि क्यों, तो शाहरुख ने कहा कि ऐसा इसीलिए क्योंकि अब तक जितनी भी फिल्में मैंने अपने करियर में ऐश्वर्या के साथ की हैं उनमें से मुझे ऐश्वर्या मिली नहीं कभी, चाहे वो मोहब्बतें हो, चाहे फिर वो देवदास हो, या फिर सबसे गंदी फिल्म जिसमें मुझे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ऐश्वर्या राय मेरी बहन बनी है और लोग कहते हैं कि तुम ऐश्वर्या जैसे दिखते हो, यानी कि तुम भाई बहन दिखते हो। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा शर्मजनक था क्योंकि मैं चाहता था मैं उन्हें रोमांस करूँ, सबसे खूबसूरत महिला को द रोमांस किंग रोमांस नहीं कर पाया बल्कि उसे अपनी बहन बना बैठा किसी फिल्म में। ये कहना था शाहरुख खान का। तो अब आप समझे कि क्यों शाहरुख को शर्म आ रही थी ऐश्वर्या के साथ काम करने में, क्योंकि उन्हें भाई बनना पड़ा ऐश्वर्या का। इस किस्से पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं या आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ। खुद कोरोना वायरस भी अक्षय कुमार को फिल्म रिलीज करने से नहीं रोक पाएगा। जी हाँ, क्या है ये पूरी कहानी और कौन सी फिल्म अक्षय की कोरोना वायरस के चलते भी रिलीज होगी ये मैं आपको बता देती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर कोरोना वायरस की तो इस रीज़न से बहुत सारी थिएटर्स, ऑफकोर्स हर थिएटर बंद हो चुका है, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि तमाम देशों में। ऐसे में कोई फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है, लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स बंद है, लेकिन भाई अक्षय कुमार है कि वो किसी ना किसी तरीके से ढूंढ ही लेते हैं ऑडियंस को एंटरटेन करने का तरीका। और इस बार अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के लिए एक नया तरीका सोचा है। बात की जाए अगर सूर्यवंशी की तो हम सभी जानते हैं 24 मार्च 2020 को, यानी कि अभी थोड़े टाइम पहले ही सूर्यवंशी रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसके कुछ ही दिनों पहले लॉकडाउन अनाउंस हो गया, इसके चलते फिल्म रिलीज नहीं हो पाई।
अब बात की जाएगा लक्ष्मी बॉम्ब की, जो कि अक्षय कुमार की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स है। इसमें अक्षय ट्रांसजेंडर हॉरर कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे, जिसमें वो ट्रांसजेंडर पोर्ट्रे करेंगे। कियारा आडवाणी भी उनके साथ इस फिल्म में नजर आने वाली है। साथ ही साथ फिल्म के जो डायरेक्टर है राघव लॉरेंस, इन सभी ने मिलकर इस बात का फैसला लिया है कि लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज की जाएगी। कहां पर? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, थिएटर्स ना सही, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी लक्ष्मी बॉम्ब। अगर बात मैं इस बात करूँ तो OTT प्लेटफॉर्म्स आजकल बहुत ज्यादा जोरों शोरों पर है। हर OTT प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ आपको जरूर देता है, यू नो, एंटरटेन करने का एक अलग ही सोर्स प्रदान करता है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का प्रस्ताव रखा है कि हम हो सका है लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज करें। और जो लक्ष्मी बॉम्ब की टीम है, राघव लॉरेंस जो है डायरेक्टर, उनकी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की बातें चल रही है आपस में, और जैसे ही डील फाइनलाइज होती है, ये फिल्म जो है आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, लक्ष्मी बॉम्ब। यानी कि ये पहली फिल्म बन जाएगी, फिल्म और टिपिकल कमर्शियल फिल्म बन जाएगी जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। हो सकता है लंबे समय के लिए अगर इसी तरीके से चीज़ें होती रही तो सारी फिल्म, यानी कि जब तक कोरोना वायरस चल रहा है तब तक की जो फिल्म है वो सारी की सारी डिजिटली ही रिलीज की जाए। इस पर आपका क्या ख्याल है ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योतिया, हाँ, साइनिंग ऑफ।